इनका कोई पढ़ाई लिखाई से वास्ता ही नहीं है। नीट इनके लिए क्या कहते हैं खेल बन चुका है, इनकी आदत हो चुकी है रोज सुबह उठना, आना यहाँ गेम खेलना, चले आना घर। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी उठ चुके हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं बस कोचिंग के लिए। कोचिंग निकलते हैं थोड़ी देर में और दिखाते हैं आज क्या होता है पूरा दिन। तो स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, अभी पैसे लेते हैं फिर पेट्रोल पड़वाएंगे। तो अभी पेट्रोल पड़वाते हैं, ये आगे पेट्रोल पंप, पेट्रोल लेते हैं उसके बाद चलेंगे कोचिंग। अक्षर भाई कुरकुरे खा रहे हैं, इनका काम बस यहाँ पर यही इतना ही है, ये आते हैं गेम वेम खेलते हैं और पढ़ लिख के, इनका कोई पढ़ाई लिखाई से वास्ता ही नहीं है। नीट इनके लिए क्या कहते हैं खेल बन चुका है, इनकी आदत हो चुकी है रोज सुबह उठना, आना यहाँ गेम खेलना, चले आना घर। अब हम हैं जैद भाई हैं और क्या कहते हैं निक्की भाई है, हम लोग चाहते हैं कि नीट में अच्छे से नंबर पढ़ने वाले लोग हम, दस घर हैं इनके, बिजनेस हैं, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम निडल्ले घूम रहे हैं। अब हमें पढ़ लिख के ही कुछ बनना है, बिजनेस अपना सेटअप करना है सब कुछ, अब क्या करा जाए। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, जैद भाई भी ये भी है, जैसे कि हमने कोचिंग ज्वाइन करी थी पढ़ने के लिए, पढ़ाई छोड़ के सारे काम कर लिए अभी तक। यहाँ निक्की भाई के 100 रुपये लापता हो गए हैं, तो हम लोग उसी के खोज में आए हैं, बहुत टेंशन है 100 रुपये की। 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए निक्की ने, तो उसका वीडियो चेक कर रहे हैं अभी, फुटेज उसकी निकाल रहे हैं। यस मिल गए 100 रुपये। अभी जा रहे हैं घर, निक्की भाई चला रहे हैं, इतनी बढ़िया चलाता हूँ स्कूटी। कैसा लगा मेरा मजाक? इतनी देर से मैं इसमें गियर ढूंढ रहा हूँ, गियर नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अबे स्कूटी है। It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice. ये हमारे स्कूल का एरिया है, पुराने ब्लॉक्स में आपने देखा होगा जब मैं 12th में था, तो यहीं पे ही आगे गली में मेरा स्कूल है विद्या भवन, डेंटल मेडिकल कॉलेज है सामने, ये बेली इंटरनेशनल स्कूल है, उसके आगे ही डेंटल मेडिकल कॉलेज है। तो गाइस कोचिंग से आके सो गए थे, तो अभी उठे हैं कुछ ही देर पहले, इब्राहिम बुलाने आ गया था। अभी जा रहे हैं, एक नया कैफे खुला है मॉल के सामने, पिंक लिप्स। तो अभी आ चुके हैं मॉल के सामने और ये है कैफे, पिंक लिप्स कैफे नया खुला है, ये जावेद अबीब के ऊपर ही है, चल के देखते हैं कैसा है। कैफे में ये पिंक लिप्स कैफे, चलते हैं अंदर। Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see day.
रेहान गया हुआ है ऑर्डर देने, और ये कुछ इनका मेन्यू है। ये है मेन्यू, चाइनीज़ भी है और सैंडविच, पास्ता, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और इनकी मेन चीज़ है ये पिंक चाय। अब देखते हैं कैसी होगी, फिर आपको बताते हैं। प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा था ये कैफ़े, मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने मंगाई थी और सिर्फ 280 रुपये में था। एक प्लेटर था, फ्यूजन प्लेटर, जिसमें चाउमीन, चिली पटेटो और मोमोज थे। बाकी एक पिज़्ज़ा मंगाया था, पेपी पनीर, ये भी बहुत टेस्टी था। गाइस महंगा वाला टमाटर भी डाला है इन्होंने, टमाटर भी पड़ा हुआ पिज़्ज़ा में, काफ़ी महंगा पिज़्ज़ा आई, मतलब छोटा कीमत बढ़ गई, कीमत है 2000 रुपये। तो भी सब चीज़ें ट्राई कर ली, काफ़ी टेस्टी है यहाँ पे पिज़्ज़ा, और ये जो चाय थी क्या नाम था इसका, पिंक चाय बहुत टेस्टी थी। इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, काजू, बादाम थी, मलाई और ये सब चीज़ें थी। और बाकी पिज़्ज़ा और स्प्रिंग रोल और क्या नाम है चाउमीन, ये सब बहुत अच्छा था। ये जो कॉम्बो है 99 रुपये का कॉम्बो है, स्प्रिंग रोल, मोमोज, चाउमीन का, बहुत टेस्टी बनाया था इन्होंने। आइए और विज़िट करिए इनकी शॉप, मॉल के सामने है बिल्कुल। तो अब चलते हैं घर और व्लॉग को करते हैं। सो गाइस अभी घर आ चुके हैं और अब पढ़ने बैठेंगे और व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ये थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। पीस आउट।